भाई ये सीढ़ियाँ। सो हेलो एवरीवन, इट्स माय न्यू व्लॉग। आज जैसा कि आपने देख लिया, आज हम सीखेंगे डबल स्किपिंग। सो लेके आते हैं सामान सारा और लगाते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको। पूरा देखना स्टेप बाय स्टेप, बाद में मत बोलना ये हो रहा है वो हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं आप कर रहे? शूज वगैरह डाल लेते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। हमारा मैट बिछ चुका है HRX का और हमारी रोप भी रेडी है, शूज हमने डाल लिए है, चप्पल हमने उतार दी है और हम भी रेडी है। सो क्रॉस स्किपिंग करने के लिए आपको पहले सिंपल स्किपिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप क्रॉस स्किपिंग पे जाओ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। सीधे ही आप पहले, मतलब कि मुश्किल है हमें थोड़ा। सो हम पहले करेंगे सिंपल स्किपिंग सीखेंगे, ठीक है। सिंपल स्किपिंग जिस जिसको आती है वो तो चलो अच्छी बात है, क्रॉस स्किपिंग तभी सीख रहे होगे आप ऑब्वियसली। सो सिंपल स्किपिंग करो डेली की, कम से कम 100 करो, कम से कम 100 करो सिंपल स्किपिंग, उसके बाद वीडियो देखो क्रॉस स्किपिंग की, ठीक है। सो पहले बेसिकली हम करेंगे सिंपल, उसके बाद क्रॉस। सो डबल में कुछ ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है, कंट्रोल की बात है और माइंड सेटअप की बात है। अगर आपने मतलब कि ठान लिया कि मैंने करना है तो सो हो जाएगा, इतना भी मतलब कि मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सिंपल में हम करते हैं ऐसे, है ना, और क्रॉस में हम जाते हैं ये आता है इसके बीच में से हम जाते हैं। स्लोमो देख लो आप, स्लोमो लगा देता हूँ मैं। ये था स्लोमो। सो ऐसे करनी है आपको, ठीक है, ये हो जाएगी, मतलब इतना मुश्किल नहीं है काम। पहले जो मैंने बोला 100 स्किपिंग पहले करो आप डेली की, नहीं होती है मतलब कि हो जाएगी एक दो दिन में हो जाएगी 100 का रूटीन तो बन जाएगा। उसके बाद इस पे आओ, ठीक है, और बाकी भी जो जो तरह की मैं कर लेता हूँ वो करके बता देता हूँ मैं कर लेता हूँ जैसे सिंपल कर लेता हूँ मैं। क्रॉस सिंगल लेग फास्ट सो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, सीख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं सीखा है इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे दे दूंगा, जहाँ पे फंस रहे हो आप वो उतनी मेरे को वीडियो बना के सेंड करो, मैं बता दूंगा आपको सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी साइड व्यू देख लो हमारा। सब्सक्राइब करना मत भूल जाना अब। हाँ कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना अगर कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम आए, मैं हूँ, ठीक है, ओके।